बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में कुरुलुश उस्मान में दिखाए गए किरदारों की मुख्तसर तारीख पेश की जाएगी, ताकि आप लोग असल तारीख जानने के साथ साथ ये भी समझ सकें कि ड्रामे के वाकयात में किस हद तक तब्दीली की गई है। पहले नंबर पे हैं शेख अदब अली। शेख अदब अली एक छोटे बच्चे की हैसियत से हम देरलिश एर्तुरुल के सीजन 2 में देख चुके हैं, जब एर्तुरुल, बामसी, तुर्गुत और रोहान अपनी हिजरत से पहले बाज़नतीनी सरहद पर गेकली में एक रात शेख अदब अली के घर गुजारते हैं, और अब कुरुलुश उस्मान में उनको एक बाप की हैसियत से हम दोबारा देख रहे हैं। शेख अदब अली एक बाअसर तुर्क सूफी शेख थे और अखी सिलसिले से ताल्लुक रखने के अलावा बाबाई दरवेश सिलसिले से भी मुंसलिक थे। ये मजहबी हलकों में बाइज़्ज़त मकाम रखते थे और उन्होंने ही बढ़ती उस्मान रियासत के उसूल मुतय्यन किए। एक अमीर शख्स होने की हैसियत से शेख ने अपनी दौलत को गरीबों में खुले दिल से खर्च किया। ये मदारिस के तुलबा के लिए रिहाइश गाहें तामीर करते, गरीबों को खाना खिलाते, इस्लामी शरीयत की तमाम एनातोलिया में तबलीग करते और आम तुर्कों को इस्लाम के उसूल सिखाते। शेख अदब अली उस्मानी सल्तनत के पहले काजी थे और इनकी वफात 120 बरस की उम्र में बेलचिक में हुई और इन्हें इनके जिक्र वाले कमरे में दफन किया गया। इनकी वफात के एक माह बाद बाला खातून और चार माह बाद उस्मान गाजी भी इंतकाल कर गए। आही सिलसिला। जैसा कि हम जानते हैं कि शेख अदब अली आही सिलसिले से ताल्लुक रखते थे, और आही लफ्ज अरबी में जाकर अखी बन जाता है, जिसका मतलब है भाई। 13वीं सदी में कायम होने वाली अखी तहरीक के बानी एक वली, सूफी, दरवेश, फलसफी और एक आलम दीन थे, जिनका नाम अखी एवरान है। ये शेख करमानी के दामाद थे और इन्हें भी हम डेरलिश एर्तुरुल के सीजन 2 में देख चुके हैं। अखी तहरीक के लोग मजहबी तौर पर रासखुल अकीदा और नहायत दयानतदारी से अपने पेशा वराना फ़राइज़ सर अंजाम देने के साथ साथ मैदान जंग के भी माहिर थे। अखी तहरीक के बारे में मज़ीद जानने के लिए मेरी वीडियो मौजूद है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दुरसुन बे। ये तारीख में दुरसुन फकीह के नाम से मशहूर हैं और हम इन्हें कुरुलुश उस्मान में बाला खातून की मदद करते हुए एक पादरी के भेस में देख चुके हैं। ये शेख अदब अली के शागिर्द और ससुराली रिश्तेदार थे। इनकी किताब गजवात नामा बहुत मशहूर है। ये तफसीर, हदीस और फिका के आलिम थे और ये उस्मान गाजी की जंगों और मुहिमात में नमाजों के औकात में इमाम के फराइज सरंजाम देते। कुलूचा हिसार और कराचा हिसार कले की फतह के बाद उस्मान गाजी ने इन्हें कराचा हिसार का इमाम मुकर्रर किया, और जिस दिन उस्मान गाजी ने सलजूक सल्तनत से आज़ादी का ऐलान किया, उस दिन दुरसन फकीह ने जुमे का खुतबा उस्मान खान की तरफ से पढ़ा, और यह खुतबा सल्तनत उस्मानिया के क्याम का आगाज और आज़ादी की निशानी था। इसके बाद हैं बाला खातून। उस्मान गाजी की दूसरी बीवी और शेख अदब अली की बेटी बाला खातून थी, और तारीख एतबार से उस्मान गाजी की पहली शादी मलहन खातून से 1280 में हुई, जो कि एनातोलिया के एक ताकतवर सरदार उमर अब्दुल अजीज बे की बेटी थी। इन दोनों के बारे में मजीद तफसीलात जानने के लिए मेरी वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब जानते हैं कमांडर कैलेनोस के मुतल्लिक। कमांडर कैलेनोस या फेलेनोस कराचा हिसार कले के गवर्नर का भाई था। इसकी तारीख पैदाइश नामालूम है, मगर इसकी मौत 21 जे में लड़ी गई एक खूनी लड़ाई के दौरान 1286 या 87 में हुई। ये लड़ाई तब हुई जब उस्मान गाजी ने कुलूचा हिसार कला शब खून मारकर फतह कर लिया। तब बदले में उसके करीबी कले कराचा हिसार के तैकफुर ने अपने भाई कमांडर कैलेनोस को उस्मान को ख़त्म करने के लिए एक बड़ी फौज के साथ भेजा, मगर उस्मान को इस हमले के बारे में मुखबरी हो गई और उस्मान गाजी का अपने गाजियों समेत कमांडर फेलेनोस से दुमनिच पास पर टकराव हुआ। इस शदीद और खूनी लड़ाई में उस्मान का भाई साउची बे शहीद हो गए और कमांडर कैलेनोस इस लड़ाई में मारा गया और इसी जगह दफन किया गया जहां इसकी मौत हुई, और लोगों ने बाद में इस कब्र के मकाम को इतिशिनी यानी डिगिंग डॉग कहने लगे। साउची बे। साउची बे एर्तुरुल गाजी के मंझले बेटे थे, जो कि कमांडर फेलेनोस के हाथों शहीद हुए, और इनकी शहादत के बाद इन पर बहुत सी नज़में लिखी गई। साउची बे की शहादत का दिन रवायती तौर पर अगस्त के आखिरी हफ्ते में हर साल मनाया जाता है, और इस साल इनकी शहादत को 733 साल हो जाएंगे। गुंदुज बे। गुंदुज बे की पैदाइश 1229 में हुई और गुंदुज बे 26 साल के थे जब उस्मान गाजी पैदा हुए।
इन्होंने हमेशा हर मौके पर उस्मान गाजी की मदद की और कभी उनके सरदारी को चैलेंज नहीं किया। इन्होंने बाज़ंतीनियों के खिलाफ तकरीबन हर लड़ाई में हिस्सा लिया और नई रियासत कायम करने के बाद उस्मान गाजी ने इन्हें बहुत बड़े इलाके के इख्तियारात देकर वहां का संजक बे बना दिया। ये 1303 में शहीद हुए और इनके एक बेटे का नाम आयदोगदो बे था, जो कि एक मशहूर जंगजू थे। दुंदार बे एक बहादुर और मशहूर जंगजू थे जिन्हें गाजी का लकब भी मिला। ये अच्छे दिल के मालिक और अपने खानदान, कबीले, कौम और भाई के साथ वफादार थे। बदकिस्मती से इनकी कमजोर शख्सियत थी, जिसकी वजह से बहुत सी गलतियों का इर्तकाब किया और काई कबीले के लिए बहुत से मसाइल खड़े किए। तारीख के मुताबिक एर्तुगरुल बे की वफात के बाद दुंदार बे ने खुद को काई कबीले की सरदारी के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया, क्योंकि ये खुद को उम्र, तजर्बे और स्टेटस की बुनियाद पर इस काबिल समझते थे। मगर तब तक उस्मान गाजी लोगों के दिल जीत चुके थे और वो काई कबीले के सरदार मुंतखब हो गए। तब दुंदार बे ने इस बात को खुले दिल से तस्लीम किया, मगर बाद में कुछ हालात और फैसलों की वजह से उस्मान गाजी और दुंदार बे में इख्तलाफात पैदा हो गए। दुंदार बे की वफात 96 या 98 बरस की उम्र में हुई और इस बारे में तारीखदानों का इख्तलाफ है कि इनकी मौत उस्मान गाजी के हाथों हुई या नहीं हुई, और इनकी शादी और बच्चों के बारे में कोई वाज़े रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अलीशार बे। तारीखी तौर पर उस दौर में जर्मियानी खानदान के दो अलीशार बे का जिक्र मिलता है, जो कि बाप और बेटा थे। ये सलजूक सल्तनत के संजक बे होने के साथ साथ अमीर भी थे। इस तरह ये छोटी छोटी जागीरों के हाकिम थे, जिनमें एर्तुगरुल बे और उस्मान गाजी की जागीरें भी शामिल थीं। कुर्रुश उस्मान के सीजन में दिखाए गए अलीशार उनका बेटा है, जिसका नाम याकूब अलीशार था, और उसके दुंदार बे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे, मगर उस्मान गाजी के साथ ताल्लुकात कशीदा थे, जो कि बाद में उस्मानियों और जर्मियानोगलोस के दरमियान दुश्मनी में बदल गए। इनका पहला रिकॉर्ड अनकरा की किज़ल बे मस्जिद की मुरम्मत के रिकॉर्ड वाली किताब से मिला, जिसमें दर्ज था कि किज़ल बे मस्जिद का मिंबर 699 हिजरी यानी 1296 ईस्वी में जर्मियान कबीले के सरदार ने मुरम्मत करवाया। यहां से मालूम हुआ कि अलीशार ने अनकरा पर सलजूक हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से हुक्मरानी की और अपने असर व रसूख को किर शहर तक फैला दिया, और शायद 1300 ईस्वी के बाद से आजादाना तौर पर हुक्मरानी शुरू कर दी। अलीशार का कबीला जर्मियान नोगलरी उस वक्त की एनातोलिया की मजबूत तरीन जागीरों में से थी, और जर्मियान एक तुर्कमान कबायली नाम था। ये वाज़े तौर पर ओउज ऑक्शर कबीला था, जो कि बाद में एक कुनबा और रियासत का नाम बन गया। और याकूब अलीशार बे का दौर जर्मियानोगलोस का सबसे सुनहरा दौर था। कॉनर एल्प उस्मानी सल्तनत के काबिले फखर कमांडर थे, जिन्होंने उस्मान गाजी की क्यादत में बहुत सी जंगें लड़ी। कॉनर एल्प ने उस्मान गाजी की क्यादत में आईकाजी और एनादोलो कावागी के दरमियानी इलाकों की फतह के लिए बहुत सी जंगें लड़ी, और बाद में उस्मान गाजी ने इस इलाके का कुछ हिस्सा कॉनर एल्प को जाती जागीर के तौर पर दे दिया, और आज तुर्की के दूसरे सूबे में कॉनर एल्प नाम का इलाका और कॉनर एल्प बस्ती इन्हीं के नाम पर रखी गई। ये बुरसा की फतह के बाद इंतकाल कर गए, मगर इनके मकबरे का मकाम नामालूम है, और एर्तुगरुल गाजी के मिजार के बाहर इनकी कबर भी एजाजी कबर है। सामसा एल्प ने भी तुर्गुत एल्प और गाजी अब्दुलरहमान की तरह लंबी उम्र पाई, और इनके कारनामों ने उस्मानी सल्तनत के क्याम में अहम किरदार अदा किया। उन्हें तीन अजीम गाजियों के साथ जंगे लड़ने का एजाज हासिल है, यानी एर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी और ओरहान गाजी। एर्तुगरुल के साथ सोद की तरफ हिजरत करने के बाद इन्होंने उस्मान गाजी के साथ मिलकर बहुत सी फतुहात हासिल की और ओरहान गाजी के दौर में वफात पाई। इनके बारे में मजीद तफसीलात जानने के लिए मेरी वीडियो मौजूद है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इनका मकबरा मुदुरनो के नज़दीक हाजी मोसलार गांव में है। कलूचा हिसार या कलचा हिसार कला। बहुत से लोगों को कलूचा हिसार और कराचा हिसार कले के बारे में कन्फ्यूजन हो रही है। कलूचा हिसार या कुलचा हिसार कला उस्मान गाजी ने अपनी जवानी में फतह किया था। ये कराचा हिसार से अलग कला है, और ये वो पहला किला है जो कि उस्मान गाजी ने काई कबीले का सरदार बनकर फतह किया, यानी एक तरह से ये किला उस्मान गाजी की पहली फतह थी। और कराचा हिसार कला काई कबीले ने दो बार फतह किया, यानी पहली बार एर्तुगरुल गाजी ने कराचा हिसार कला फतह किया और दूसरी बार उस्मान गाजी ने अपने रियासत के क्याम के बाद फतह किया। नाज़रीन-ए-किराम, मैंने यहाँ कुर्रुश उस्मान के जितने भी किरदारों की तारीख बयान की है,
साथ साथ उनके हवाला जात भी दिए हैं। और ये तारीख जानकर हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरुश उस्मान में ठीक ठाक तारीख बदली गई है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।